फ्रेंड्स, कई बार क्या होता है, छोटी सी चीज होती है जो बहुत ही हैरान करने लगती है। जैसे सस्पेंशन में कभी कभी क्या होता है, छोटी सी चीज होती है पर वो खर्चा बहुत ही बड़ा करा देती है। जैसे कि देखो, हमारे पास ये होंडा जहाज आती, तो इसमें कस्टमर ने, देखो मैं बताने जा रहा हूँ, ऑलरेडी रिपेयर कराया हुआ है। ये कंट्रोल आर्म के बूस्ट रिप्लेस कराए हुए है, इसका स्टेयरिंग रिप्लेस कराया हुआ है, रिपेयर करा हुआ है, फिर भी इसमें प्रॉब्लम वही का वही है। और इसमें ऑलरेडी शॉक, देखो पूरा सेट हमने क्लच के लिए आई थी, और आगे फ्रंट साइड नॉइस था उसके लिए खाली हमारे पास आई थी, पर इसमें ऑलरेडी सब नया डाला हुआ है। तो मैं आपको बताऊंगा इसमें प्रॉब्लम क्या है, चलो देख लीजिए। ये पूरा सब पूरा सस्पेंशन नया है, खाली एक चीज को छोड़ के चलो मैं आपको बताने जाऊंगा, उसका ही प्रॉब्लम है। कस्टमर ने इसके लिए बजट से बहुत सारा खर्चा करा दिया। देखो ये हमने पूरी फ्रेम निकाली हुई है, इसकी ऑलरेडी लिंकेज भी देखो ये नई है, तो इसमें लिंकेज रिप्लेस की, और इसका ये जो बैलेंस रॉड बूस्ट आता है, जंपिंग रॉड बूस्ट, वो रिप्लेस नहीं करे। देख रहे हैं ये जो, ये देखो दिख रहा है, ये हमेशा हार्ड होने चाहिए। ये जंपिंग रोड बूस्ट क्या, ये गाड़ी को बैलेंस करते हैं, तो ये बैलेंस के टाइम पे जब गाड़ी नॉर्मली रफ रोड पर हल्के से रोड पे जाएगी, तो इसमें नॉइस आना शुरू हो जाएगा। देखो ये हमेशा हार्ड रहना चाहिए, पर ये कितना लूज हो चुका है आपको मैं बता सकता हूँ। देखो ये पूरा गिर जा रहा है, जिसकी वजह से नॉइस आ रहा था। तो ये बूस्ट को हम रिप्लेस करेंगे, ये बूस्ट को रिप्लेस करेंगे, ये रिपेयर भी हो सकता है। रिपेयर किस तरह हो सकता है, चलो मैं आपको बताता हूँ। इसको रिपेयर करेंगे, क्योंकि ये नॉर्मली आते हैं, एक एक बूस्ट आता है 180 के आसपास आता है, होंडा का जरा महंगा आता है, तो मैं इसको रिपेयर करके बताऊंगा किस तरह रिपेयर करना है, चलो मैं आपको बताऊंगा। नॉर्मली कोई भी टायर की ट्यूब या पुट्ठा ले लेना है, चलो मैं अभी अभी टायर की ट्यूब काट के लाता हूँ और इसको रिपेयर करूंगा किस तरह, मैं आपको बताऊंगा। चलो स्टार्ट करता हूँ रिपेयर का। तो देखो ये हमको इसको किस तरह रिपेयर करना है, चलो मैं आपको बताता हूँ। देखो ये रबड़ के बूस्ट ला दिए मैंने ट्यूब के, इसको नीचे पैकिंग में रख देंगे, बहुत ओवर टाइट भी नहीं करना, जिसकी वजह से गाड़ी बाउंस होगी। इसको हल्का सा, ये देखो ये दिख रहा है, वन लेयर है, इसको ही रखना है, ये रखेंगे तो एकदम सही हो जाएगी। चलो हम रखने का स्टार्ट करते हैं। तो देखो हम इसको खोलना शुरू करते हैं, ये इसको खोला पूरा, देखियो मैंने पूरा खोल दिया। तो इसको नॉर्मली अधर ही करना है, अधर करेगा से, तो इसको यूँ रख देना है। देखो दिया बूस्टिंग हमने रख दिया है, बूस्टिंग तो रख के बस यहाँ बिठा देना है, रख दो चलो। हाँ बस, तो इसका बोल्ट लगा देंगे हम, बोल्ट वो सब लगा दिया। और नॉर्मली क्या होता है दूसरे गेयर जो मेरे, इसमें क्या होता है, यहाँ पे रोड पे टेपिंग लगाते हैं, ये टेपिंग लगाने की वजह से क्या होगा कि वो टेपिंग मोमेंट टाइम पे कि जिसकी वजह से वापिस से नॉइस हो जाएगा। तो देखो हमने एक साइड लगा दिया, अब ये दूसरी साइड भी हम लगा देंगे, दोनों साइड इस तरह हम लगा। तो देखो ये खोल लिया इसने, ये हम वापिस से यहाँ लगा देंगे। ये क्या है, रबर लॉन्ग टाइम चलने के लिए आता है, तो ये खराब नहीं होगा, ये हमने लगाया तो। देखो ये हमने ये डायरेक्ट, मैं बताऊंगा इसका मैं फिर कितना इजी इम्प्रूवमेंट हो गया है। देखो ये हमने अदर किया इसको फुल, ये देखो एकदम हो गया, और बहुत ज्यादा भी हार्ड नहीं करना, हार्ड होगा तो नॉइस आएगा और लूज होगा तो भी नॉइस आएगा, इसको एकदम हल्का सा फ्री रखना है। देखो ये नॉर्मली है, तो ये हो गया, तो इससे ये गाड़ी का पूरे सस्पेंशन का प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगा। ओके, तो देखो ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गया। और कभी कभी क्या होता है, छोटी सी चीज होती है पर बहुत ही हैरान करती है, जैसे कि ये गाड़ी में मैंने आपको बताया कितनी सारी दिक्कत आई थी, ये छोटी सी चीज हम करेंगे तो इसका प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगा। पर एक बार और बोलूंगा, हर बार यही नहीं होता, कभी कभी ये सस्पेंशन में दूसरा भी प्रॉब्लम होता है, पर हमारे पास ये गाड़ी आई थी तो इसमें यही प्रॉब्लम था, ये सॉर्ट आउट हो चुका है, ये मेरा काम था, मैंने आपको बता दिया। ओके, और ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे जो लोग नए हैं, और ऐसी इन्फॉर्मेशन भरी वीडियो हमारी चैनल पर अपलोड करते रहते हैं। ओके बाय, थैंक यू।